हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी नीट एग्जामिनेशन में मोर देन 650 स्कोर करना चाहते हो? क्या आप लोग भी बायोलॉजी में मोर देन 330 स्कोर करना चाहते हो? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं हूँ प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, ओनर एंड लेक्चरर ऑफ आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस, नंदुरबार, महाराष्ट्र। मैं 1 अगस्त 2021 में, मतलब 1 अगस्त 2021 में जो नीट एग्जामिनेशन आने वाली है, उसके लिए मैं बायोलॉजी का एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। और ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 15 मई से, जब तक नीट एग्जामिनेशन नहीं होती, जब तक नीट एग्जामिनेशन नहीं होते। गवर्नमेंट ने तो अनाउंस क्लियरली कर दिया हुआ है कि 1 अगस्त को नीट एग्जामिनेशन होगी ही होगी। अब आपके जो स्टेट बोर्ड के जो पेपर्स हैं, जो ऑलमोस्ट आगे पोस्टपोन कर दिए गए हैं जून की तरफ, मे बी ये जो स्टेट बोर्ड के पेपर है वो शायद और भी आगे पोस्टपोन करें, लेकिन नीट एग्जामिनेशन जो 1 अगस्त को होने वाली है वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन नहीं होगी, वो 1 अगस्त को होगी, मतलब होगी, होके ही रहेगी। क्योंकि अगर नीट एग्जामिनेशन अगर और आगे धकेल देते हैं और आगे पोस्टपोन कर देते हैं, मैं आपको लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस कहता हूँ। लास्ट ईयर एग्जाम, नीट एग्जामिनेशन आई थिंक सो 5th और 7th मई के आसपास थी, और ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन करके 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना करके उन्होंने 13 सितंबर को ये एग्ज़ाम की। और उन्होंने ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले स्ट्रिक्टली अनाउंस कर दिया था कि 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगी। और फिर स्टूडेंट जो काफ़ी लेजी हो गए थे कि एग्ज़ामिनेशन कब होने वाले, उनको क्लियरली पता ही नहीं चल रहा था, फिर उन्होंने काफ़ी कम समय में पढ़ाई की। और आपको पता है कि स्कोर इतना प्रॉपरली नहीं आया होता। मेरे क्लास का स्कोर अगर देखें तो मेरे क्लास में 330 स्कोर आया हुआ था बायोलॉजी सब्जेक्ट का। मैं ऐसे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इसके लिए मैं पूरा स्कोर नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरे क्लास का स्टूडेंट 539 स्कोर आया हुआ था, लेकिन उसमें से बायोलॉजी जो था वो 324 के आसपास इतना स्कोर था उसका बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो ये क्रैश कोर्स हम कैसे लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। 15 मई से लेके नीट एग्जामिनेशन जब तक होती नहीं, तब तक मैं क्रैश कोर्स लूँगा। अब हम मान के चलते हैं कि 1 अगस्त को नीट एग्ज़ाम है, तो हमारे पास टाइम कितना बचा है, ठीक है, हमारे पास टाइम है नियर अबाउट, अगर हम 15 मई से शुरू करते हैं तो 15 मई से 1 जून तक, मतलब ये 15 दिन, फिर जून और जुलाई, मतलब हमारे पास नियर अबाउट 75 डेज होते हैं, ठीक है, मतलब 2.5 महीने के आसपास। तो इन 2.5 महीने में क्या करेंगे हम? बेसिकली हर बार जब क्रैश कोर्स हम लेते हैं तो ऑफलाइन क्रैश कोर्स लेते हैं 50 डेज का। इस बार जो क्रैश कोर्स है वो शायद ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है, और इस स्ट्रेटेजी का मैं आपको एक बेसिक, एक फंडामेंटल, एक फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो 15 मई को मैं पहला लेक्चर लेता हूँ, और 15 मई को मैं पहला लेक्चर लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड CBSE। तो उस चैप्टर में 15 मई को मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करूँगा मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। तो 8 बजे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको उस पूरे के पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, फिर व्हाट इज लिविंग इस कंसेप्ट को पढ़ूंगा, मतलब जितने भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज मींस इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, देन व्हाट इज लिविंग, देन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एंड देन टैक्सोनॉमिकल एड्स विच इंक्लूड्स हर्बेरियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम, बॉटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, एंड एट द एंड एड्स, ये कंसेप्ट है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे में कवर करूँगा। और उसके बाद हम 50 MCQ, यस 50 MCQ उस चैप्टर से रिलेटेड लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई आपकी बात, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल हम Unit No. 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें से Chapter No. 1 ले रहे हैं, मतलब 16th नंबर चैप्टर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो उसमें मैं क्या करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, फिर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, फिर हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मीन्स हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी, फिर उसके बाद हम देखेंगे एब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और उसके बाद फाइनली हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ अ ह्यूमन न्यूट्रिशन और डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो मैं ऑलमोस्ट आपको 3 घंटे के अंदर कवर करवा लूँगा, पूरा का पूरा, विदाउट स्टॉपिंग 1 मिनट। यस, पानी पीने का टाइम दीजिएगा मुझे बस। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं 3 घंटे में कवर करवा लूँगा, और आखिरी का जो 1 आवर बचेगा, यस, जैसे मैंने कहा मैं डेली 4 घंटे लेक्चर लूँगा, तो उस आखिरी के 1 आवर में मैं आपको डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन,
इस चैप्टर के रिलेटेड 50 मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट इवेल्यूएटेड एंड मोस्ट रिपीटेटिव एमसीक्यूज जो है वो सिलेक्ट करके आपको 50 एमसीक्यू समझाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। और ऐसे ही मैं पूरे के पूरे 38 लेसन समझा लूंगा। अगर आपको डेमो देखना है मैं आपको एक छोटा सा एक मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा का पूरा, मतलब हमारा सिलेबस कैसा है। बायोलॉजी नीट एग्जामिनेशन में 360 मार्क्स का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के डबल, मतलब फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180, बायोलॉजी डायरेक्टली 360 का है। तो बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होने के कारण आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नो डाउट फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपने उतना ही मन लगा के दिल से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर बायोलॉजी में अगर आप यहाँ से 330 निकालते हो मेरे यहाँ से, ठीक है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे स्कोर लाना चाहिए। तो ही जब आपका स्कोर मोर देन 570, मोर देन 600, मोर देन 650 जाता है, तब जाके आपका MBBS में नंबर लगता है, ठीक है, अगर आप ओपन कास्ट में हो, जनरल OBC में हो तो, ठीक है। तो अब बेसिकली जो हमारा सिलेबस है, बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड में 22 लेसन है और बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड में 16 लेसन है। बायोलॉजी में 11th स्टैंडर्ड को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में जो यूनिट है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है, और 12th स्टैंडर्ड में भी यूनिट वैल्यूएबल है, लेकिन बायोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड को वेटेज नियर अबाउट 50-52% दिया हुआ है, और बाकी जो 58% है वेटेज और 60% वो 11th स्टैंडर्ड को वेटेज दिया हुआ है। यूनिट नंबर 1, मैं डायरेक्टली चैप्टर्स के नाम बताता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर हम पढ़ते हैं दैट इज़ अ प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सिक्स्थ चैप्टर होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेवन्थ चैप्टर होता है एनिमल टिश्यू, जिसमें हम अर्थवर्म और कॉकरोच भी ऐड कर देते हैं, पहले फ्रॉग भी था लेकिन अभी वो डिलीट हो गया है। और एट्थ चैप्टर हम पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नाइन्थ चैप्टर हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल, टेंथ नंबर का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इलेवंथ नंबर चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्वेल्थ नंबर चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, थर्टीन नंबर चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोर्टीन नंबर चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, फिफ्टीन नंबर चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिक्सटीन नंबर चैप्टर काफ़ी वैल्यूएबल यूनिट स्टार्ट है हो रहे हैं यहाँ से डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, 17 नंबर चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 18 नंबर चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 19 नंबर चैप्टर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन, 20 नंबर चैप्टर स्केलेटन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 21 नंबर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 22 नंबर चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये 22 लेसन है 11th स्टैंडर्ड CBSE में। अब हम चलते हैं 12th स्टैंडर्ड CBSE। तो 12th स्टैंडर्ड में यूनिट कुछ इस प्रकार से हैं, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर फिफ्थ नंबर चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सिक्स्थ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेवन्थ इवोल्यूशन, एट नंबर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, नाइन नंबर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, टेन नंबर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और 11 नंबर चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी इट्स प्रोसेस एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड 12 नंबर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन, 13 नंबर चैप्टर ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट, 14 नंबर चैप्टर इकोसिस्टम, 15 नंबर चैप्टर डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन, एंड 16 नंबर चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये टोटल जो चैप्टर्स हैं 22 चैप्टर्स 11 स्टैंडर्ड 5 यूनिट में डिवाइडेड हैं, और 16 चैप्टर 12 स्टैंडर्ड वो भी 5 यूनिट में डिवाइडेड। तो टोटल 10 यूनिट है बायोलॉजी में, मतलब चैप्टर्स हैं 38। ये 38 चैप्टर्स को कवर करने के लिए हमारे पास 75 डेज हैं, और आप जान के खुश होंगे कि मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। मैं ऑफलाइन भी जब पढ़ाता हूँ तो ऑलमोस्ट 3 घंटे में मैं पूरा चैप्टर पढ़ा लेता हूँ परफेक्टली, और उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को पेपर देता हूँ कि आप सॉल्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हर एक एक इंडिविजुअल क्रिटिकल लेवल का इंडिविजुअल एक एक MCQ मैं आपको सॉल्व करवा लूँगा, ठीक है। तो अगर आप भी मेरा ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं हूँ प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9028179848। दूसरा भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9822179848। पूरे के पूरे बायोलॉजी क्रैश कोर्स में मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा,
स्टडी मटेरियल में मैं आपको डेली ऑनलाइन में पीडीएफ फाइल सेंड करूँगा, डेली क्वेश्चन पेपर सेंड करूँगा, पिछले साल के जितने भी आज तक 10 साल में नीट एग्जामिनेशन हुई है, एम्स एग्जामिनेशन हुई है, AIPMT हुई है, उन सब के भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और सिंपल सा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा जो मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, खुद ने कंटेंट लिखा हुआ है। और डेली मेरे पास जितना भी मटेरियल होगा बायोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको क्रैश कोर्स के पीरियड में आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा। डेली हम लेक्चर सुबह को 8 से लेकर 12 बजे तक लेंगे, पहले 3 घंटे फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन और 1 घंटा फुल एमसीक्यू प्रैक्टिस। यस आप 330 स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में, 360 भी कर सकते हो। यस एक चीज याद रखो कि जरूरी नहीं कि आप कोई बड़े कोचिंग क्लासेस में हो तो ही आप 360 में से 360 बायो में निकाल सकते हो। यस आप हमसे भी पढ़ के निकाल सकते हो, मैंने भी PhD की हुई है, 10 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है और इतने स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी वाले बच्चे देखे हैं मैंने, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही जी तोड़ मन लगा के पढ़ाई कीजिए। यस और वो कहते हैं ना कि मैगी 2 महीने में बन जाती है, मैगी आई मीटर से 2 मिनट में बन जाती है, 2 साल की जो प्रिपरेशन होती है वो नीट की प्रिपरेशन होती है। तो वो कहते हैं कि नीट इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, इट्स अ जर्नी ऑफ अ कंप्लीट 2 ईयर डिवोशन एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ। आप पूरी मेहनत लगा देते हो तो 2 साल जब आप मेहनत लगाते हो तब जाके नीट क्वालिफाइड होते हो, ठीक है। तो ये मैगी नहीं कि 2 मिनट में बन जाएगी, लेकिन हमारे पास अभी 2 साल तो है नहीं, तो इस साल के लिए 2021 के लिए 1 अगस्त नीट के लिए हमारे पास 2-2.5 महीने है, वो हम काफ़ी दिल से करेंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर व्हाट विल बी द फीस ऑफ क्रैश कोर्स? द फीस क्रैश कोर्स की रहेगी सिर्फ 5000 रुपीज़ फॉर बायोलॉजी, ठीक है। मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसकी फीस रहेगी 5000 रुपीज़। आप मुझे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे 9028179848 पे गूगल पे कर सकते हो या तो फ़ोन पे कर सकते हो। जैसे ही आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे करते हो उस फीस का स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए और डिटेल में लिखिए कि आपका नाम क्या है, ठीक है। आपका पूरा नाम लिखिए और आपकी सिटी कौन सी वो लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपको क्रैश कोर्स में डायरेक्टली मिलूंगा और होप सो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन कर लेंगे। यस ग्रैब योर एडमिशन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये भले ऑनलाइन है लेकिन इतने सारे अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा कि 60-80 स्टूडेंट्स की बैच रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।